फेस्टिवल्स का सीजन शुरू हो गया है, बिना टाइम वेस्ट किए घर पे बनाइए एकदम बाजार जैसी काजू कतली। आप भी मेरे टिप एंड ट्रिक के साथ बनाना, बहुत ही बढ़िया बनेगी। फुल रेसिपी देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस तरीके के साथ एक बार बनाओगे तो बार बार खाओगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमरन किचन ब्लॉग। आज हम बनाएंगे एकदम बाजार जैसी काजू कतली। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने काजू ले लिए हैं 250 ग्राम, आप अपने हिसाब से ले सकते हो जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए। काजू को हम अच्छे से साफ कर लेंगे, और अगर आपके काजू ज़्यादा गंदे हैं तो आप इनको बॉयल पानी में भी धो सकते हो, और उसके बाद इनको अच्छे से सुखा लेना है। ऐसे हमने इनको बीच में से कट कर लेना है, और इसका काला काला हिस्सा जो है वो हमने निकाल देना है, वरना हमारी बर्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी। काजू जो है एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए। ऐसे हमने सारे काजू को हाफ ऑफ कर लेना है। अब हमने इनको ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए एकदम ऐसे हमने इनका बूरा बना लेना है, और इसको अच्छे से मसल लेना है। आप देख सकते हो ऐसे हमारी काजू कतली बहुत ही अच्छी बनती है। काजू को अच्छे से पीस लेना है। 250 ग्राम काजू में मैंने एक कटोरी चीनी ली है पीसी हुई, और 1/4 कप लिया है मैंने सूखा दूध। इससे जो है हमारी बर्फ़ी बहुत ही अच्छी बनती है। बस इन तीन इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारी काजू कतली एकदम बन के रेडी हो जाएगी। आप भी देखते रहना वीडियो को एंड तक। अब हम इसमें ये वाला दूध मिला लेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने गैस पे पैन रख लिया है, और इसको हम घी के साथ, देसी घी के साथ ग्रीस कर लेंगे, ताजो हमारी काजू कतली जो है इसमें चिपके ना। अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी जो हमने 1 कप ली है, और इसमें इसका 1/4 कप पानी डाल देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना, और इसका हम उबाल आने तक वेट करेंगे। इसको हमने ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है चाशनी को, और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना। ऐसे हम इसको चलाते रहेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, जितनी शुगर ली है उसका 1/4 कप पानी डालना है। ज़्यादा पानी डालने से हमारी काजू कतली ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी, ख़राब हो जाएगी। आप देख सकते हो इसने 1 उबाल दे दिया है। ऐसे हम इसको चलाते रहेंगे ताजो नीचे ना लगे। अब हम इसको ऐसे हाथ से चेक कर लेंगे। ये देखो थोड़ी थोड़ी चिपक रही है, हमें इसी स्टेज तक इसको पकाना था। ज़्यादा पकाएंगे तो ये चीनी अलग अलग होने लगेगी। अगर आपको लगे कि आपकी चाशनी थोड़ी गंदी है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हो, मेरी चाशनी एकदम सही है। अब मैं इसमें पीसे हुए काजू डालूंगी। हमने गैस की फ्लेम को बंद करके डालने हैं, और अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद ही रखेंगे, और ऐसे इसको मिक्स कर लेना है। अब हमने कड़छी की सहायता से काजुओं को अच्छे से मिक्स कर लेना है चाशनी में। ऐसे इनका अच्छे से डो बना के रेडी कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताजो आगे आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप देख सकते हो हमारा डो धीरे धीरे अच्छे से स्मूथ हो रहा है। ऐसे हमने इसको अच्छे से स्मूथ कर लेना है। ये देखिए हमारा डो एकदम रेडी है।
अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ये मैंने जिप लॉक लिया है, मेरे पास बटर पेपर अभी अवेलेबल नहीं था। आप जिप लॉक भी ले सकते हो, बटर पेपर ले सकते हो। अब मैं इसको थोड़ा सा देसी घी से ग्रीस कर लूँगी ताकि जो मेरा डो इसमें चिपके ना। अब हम इसमें डो डालेंगे और उसको अच्छे से मस लेंगे ताकि जो उसमें कुछ कोई भी लम्ब्स ना रहे। ये अब हम इसमें डालेंगे जिप लॉक पेपर में। अब हम इसको हाथों की सहायता से और बेलन की सहायता से अच्छे से मस लेंगे। इसका अच्छे से हमने डो रेडी कर लेना है। 5 से 10 मिनट तक हम इसको अच्छे से स्मूथ करेंगे ताकि जो अगर थोड़े बहुत लम्स होंगे तो वो अच्छे से मस ले जाएंगे। ये देखिए, आप भी इस ट्रिक के साथ करना, आपकी काजू कतली बहुत ही बढ़िया बनेगी, एकदम बाजार जैसी बनेगी। और आप इसको 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो, बहुत ही बढ़िया बनती है। और आप 250 ग्राम काजू से 1/2 kg बर्फी बना सकते हो आराम से। ऐसे इनको हमने हाथों से और बेलन की सहायता से मसलते रहना है। करीब हमने 10 मिनट तक ये प्रोसेस करना है। इससे क्या कि हमारा डो जो है बहुत ही स्मूथ बन जाता है। ये देखिए, आप भी ऐसे जरूर करना। ये देखिए, आफ्टर 10 मिनट डो एकदम रेडी है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में निकालेंगे। इसको हम घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और इसमें अच्छे से हम पतली परत में डो को फैला देंगे। आप चाहो तो इसमें बटर पेपर भी रख सकते हो। ये देखिए, एकदम आटे की तरह बन गया है। बस इस स्टेज पे अब हमने इसको इसमें अच्छे से फैला देना है ब्रिक परत में, एकदम पतली परत में इसको हम स्प्रेड करेंगे। ये देखिए, आप हाथों से और चम्मच की सहायता से अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो। ये लीजिए, अब हम इसको 1 घंटे तक सेट होने के लिए रख देंगे। आफ्टर 1 घंटा ये देखिए अच्छे से जो है सेट हो गया है डो। अब हम इस पे सिल्वर पेपर लगाएंगे, चांदी का वर्क। इसके साथ काजू बर्फी देखने में बहुत मस्त लगती है और खाने का तो ऑटोमेटिकली दिल करेगा, क्योंकि घर पे बनी चीज़ तो वैसे ही बहुत स्वादिष्ट बनती है। गाइस, आप भी ज़रूर ट्राई करना, यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया बनती है, बाजार से भी ज़्यादा लाजवाब बनती है। आप ज़रूर ट्राई करना। अब हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। आपको जो भी शेप में कट करनी है कर सकते हो। ऐसे हमने धीरे धीरे इसको कट कर लेना है। ये तो देखने में ही बहुत यम्मी लग रही है, खाने में तो और भी स्वादिष्ट होगी।
लीजिए फ्रेंड्स, एकदम बाजार जैसे पीसेस कट के रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हो। आप भी ज़रूर ट्राई करना, आपके फ्रेंड्स, दोस्तों, मित्रों को, रिश्तेदार को बहुत ही पसंद आएगी। और सबसे ख़ास बात कि इसमें हमने कोई भी मैदा या कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड किया है, एकदम प्योर बर्फी है। इसको मैंने दो तीन शेप दी हैं, डायमंड शेप दी है, स्क्वायर दी है, आप कोई भी देख सकते हो अपने हिसाब से। ये देखिए कितनी मस्त लग रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, मेरे चैनल को सपोर्ट करना और मुझे पिंग करके ज़रूर बताना कि मैं अगली कौन सी रेसिपी बनाऊं। Thanks for watching and enjoy!